सीबीएसई का जो हमारा जो प्रैक्टिस पेपर अभी रिलीज हुआ, इसका ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, हमें ये एक फिगर दिया है, और हमें फिगर में क्या दिया है कि ए बी ये जो लाइन है ये किसका पैरेलल है, हमारा पी क्यू लाइन का पैरेलल है, ठीक है। और हमें इधर एक थीटा डिग्री दे दिया गया है। अभी हमें क्या बोल रहे हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के बोलो, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के बोलो, ठीक है। तो कॉस थीटा का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इधर भी एक 90 डिग्री डाल ही दो, ठीक है, इधर भी एक 90 डिग्री डाल ही दो, इधर कॉस थीटा का वैल्यू है, ठीक है, हमको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर हम इसको उल्टा करके देखेंगे, इसको उल्टा करके देखेंगे, तो अगर हम इसका कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस का क्या होगा, इधर जेड आएगा प्लस बी प्लस वाई आएगा, पर हमें ये ऑप्शन में दिया है नहीं दिया है, मीन्स हमें ये बड़ा वाला ट्राइंगल का कॉस का नहीं निकालने का है, हमें छोटा वाला ट्राइंगल का ही निकालने का है। और हमें पता है कि ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल जो है ये भी एंगल वही है, ये भी एंगल वही है, क्यों, क्योंकि ये है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल जो है ये भी एंगल वही है। फिर अगर हमने इसको वापस उल्टा करके देखा तो हमको बेस सी मिला और हाइपोटेनस बी मिला, तो इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा आंसर सी बाय बी होगा। अभी मैं बेस और हाइपोटेनस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता रहेगा पी बी पी एच एच बी वाला जो रूल है, उसके वजह से कॉस का क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है, तो इसके वजह से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी बाय बी।